हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज रात्रि 9 बजे हमें अपने घरों की लाइट को 9 मिनट के लिए बंद करना है और दिए, मोमबत्ती, मोबाइल फ़ोन की फ्लैश, टॉर्च, इनको जला के हमें सम्मान व्यक्त करना है उन लोगों के लिए जो कि इस महामारी में अपनी जान की भी परवाह किए बिना लड़ रहे हैं। अब इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होगी, कैसे ये हेल्प करेगा, कैसे ये आपको मेंटली प्रिपेयर रखेगा, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। जो हम लोग पिछले कुछ दिनों से अपने घरों में हैं, अपने आप को बंद महसूस कर रहे हैं, उसका कुछ न कुछ हमें रिवार्ड मिलेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल काफ़ी सारे बनते हैं कि क्या इस लाइट को बंद करने से हमारे ग्रिड पर बोझ तो नहीं पड़ेगा, क्या ग्रिड फेल तो नहीं हो सकती है। जो यहाँ पर इस समय टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर लोग पोस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम लोग लाइट को बंद कर देंगे, टोटली ब्लैकआउट कर देंगे, तो ऐसे केस में जो हमारी ग्रिड है वो फेल हो जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, ग्रिड फेल तब होती है जब लोड बढ़ता है, जब करंट बढ़ता है। क्योंकि जो हमारी ग्रिड है वो किसी पर्टिकुलर करंट तक ही लोड झेल सकती है। जैसे लोड बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, वैसे ग्रिड फेल होगी। तो यहाँ पर करंट तो बढ़ नहीं रहा क्योंकि लोड नहीं बढ़ रहा, लोड उल्टा कम हो रहा है, तो ऐसे केस में ग्रिड फेल नहीं होगी। ऑल दो यहाँ पर वोल्टेज में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है, बट अगर आप दिन में देखोगे जब हम लोग सारी लाइट्स बंद करके रखते हैं, तो उस केस में भी दोस्तों क्या ग्रिड फेल होती है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और इवन पावर कंपनीज ने, पावर कॉरपोरेशन ने भी स्पष्टीकरण दिया है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको फिर भी लगता है कि इससे कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, तो आप बेशक अपने घर में और डिवाइसेस को ऑन करके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिलहाल आज शाम को हमें सम्मान के तौर पर 9 मिनट के लिए अपने घर की लाइट को बंद करके दिए, मोमबत्ती, मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट, टॉर्च, इनको जला के सम्मान व्यक्त करना है। और यहाँ पर इसको व्यक्त करते हुए आप सभी से अनुरोध करूँगा कि ये कोई जश्न का माहौल नहीं है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन रखनी है, घरों में ही रहना है और घरों से ही अपना सम्मान व्यक्त करना है। अब मैं इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।